कड़ी से कड़ी परीक्षा दी है तुमने, तकलीफ़ों से ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं तुमने, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास नहीं डगमगाने दिया। उसके बाद भी तुमने श्रद्धा नहीं खत्म करी, इसके बावजूद भी तुम्हारी सबूरी नहीं डगमगाई। तुम बेचैन हुए, बेहाल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा भरोसा नहीं डगमगाया। इसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर लालच पैदा नहीं हुआ। तारीफ़ करूँगा मैं इतनी हिम्मत की, और तारीफ़ करूँगा तुम्हारे माता और पिता की, जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश देकर तुम्हें बड़ा किया है, स्वावलंबी बनाया है। स्वावलंबी का मतलब तो समझते हो ना, कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होने की तमन्ना करना, कोशिश करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम हमेशा ही अपने घर का माहौल सकारात्मक रखते हो, कभी भी नकारात्मक नहीं होने देते, हमेशा अपने घर के हर सदस्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो। बहुत तारीफ़ करता हूँ मैं तुम्हारी, और मेरा बस चले तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह दूँ कि तुमसे प्यारा बच्चा मैंने कहीं देखा ही नहीं है। और इसलिए तुम्हारे से आज मैं कहता हूँ, अब तुम्हारी हर दुख के दिन दूर हुए, अब तुम्हारी खुशियों के दिन शुरुआत होते हैं, और इतनी खुशियाँ आएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी वो सब कुछ मैं तुम्हें दूँगा, तुम देखते जाओ। बस थोड़ा सा और समय, इसके बाद देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या तुम नहीं कर पाओगे। और हाँ, तुम्हें बहुत जल्दी मैं शिरडी बुला रहा हूँ, बस आने की तैयारी कर लो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे, खुश रहो।